आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी शहर भगवान शिव की नगरी माना जाता है। शिव की नगरी में भजन संध्या का आयोजन किया गया सत्य साई सेवा संगठन के द्वारा। सत्य साई सेवा संगठन के द्वारा बरघाट रोड स्थित भवन में इस आयोजन को किया गया। भजन संध्या यहां आयोजित की गई, साथ ही जन्माष्टमी का कार्यक्रम भी यहां पर परंपरागत उत्साह है, उल्लास और धार्मिक भावना के साथ मनाया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। सत्य साई सेवा संगठन के द्वारा यहां आप देख सकते हैं सत्य साई महाराज की प्रतिमा के सामने भजन का आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी। इस यहां पर ये बहुत बड़ा हॉल एक बनाया गया है। इस हॉल में विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। सत्य साई सेवा संगठन के द्वारा धार्मिक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है। उनके द्वारा परमार्थ के कामों में, जन कल्याण के कामों को बहुत प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। भजन संध्या का आयोजन सत्य साई सेवा संगठन के सदस्य आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे के सारे सदस्य यहाँ पर जन्माष्टमी मनाने एकत्र हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के अवसर पर जन्माष्टमी का आयोजन किया जाता है। जन्माष्टमी एक सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म में चमत्कारिक देवता माने गए हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। सत्संग भवन यहां आपको दिखाई दे रहा होगा। साई सेवा सत्य साई सेवा संगठन भजन संध्या का आयोजन यहां पर किया गया। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के उपलक्ष में यहां पर कार्यक्रम रात देर रात तक चलते रहे। महिलाओं की सहभागिता आपको दिखाई दे रही होगी। महिलाएं यहां बैठकर सत्य साई भगवान का पूजन अर्चन कर रही हैं। भजन यहां पर आपको सुनाई दे रहे होंगे, भजन बज रहे हैं। कितना निर्मल वातावरण इस हॉल के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। वहीं बैठकर गाने गाजे बाजे के साथ भजन सत्य साई बाबा के भजनों का आनंद ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर उनके भक्त भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर, जन्माष्टमी के पावन अवसर पर इस आयोजन को सत्य साई सेवा संगठन के द्वारा किया गया। बरघाट रोड में अधीक्षण यंत्री का कार्यालय है। विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री के कार्यालय के सामने ये भवन स्थित है, जहाँ सत्य साई सेवा संगठन के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। और यहाँ पर सभी सत्य साई बाबा के जितने भी अनुयायी हैं वे यहाँ पर एक साथ यहाँ एकत्र होते हैं। आपको याद दिला दें कि 80 के दशक में जब सत्य साई बाबा का प्रताप लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था, उस दौरान हर गुरुवार को, हर बृहस्पतिवार को, उम्र दराज हो रही पीढ़ी इस बात को बेहतर तरीके से जानती होगी। जो नई उम्र के जो लोग हैं वे शायद इसे नहीं जानते होंगे। हर बृहस्पतिवार को सत्य साई सेवा संगठन के द्वारा गांधी भवन कचहरी चौक पर स्थित गांधी भवन के प्रथम तल पर सत्य साई बाबा के भजन संध्या का आयोजन वहां पर किया जाता था। और सालों साल वहां पर ये चलता रहा। 80 के दशक में ये आरंभ हुआ था और 80 के दशक में आज अगर हम उसे देखें तो लगभग 30-35 साल पहले का हम आपको ये वाक्य बता रहे हैं, जब गांधी भवन के प्रथम तल पर इस आयोजन को किया जाता था। पुटपर्ति सत्य साई बाबा की कर्मस्थली रही है और पुटपर्ति में सत्य साई बाबा के द्वारा न जाने कितने गांवों को, लगभग 300 गांव जहां पर पानी नहीं था वहां पानी की व्यवस्था कराई गई। सत्य साई बाबा के द्वारा जो अस्पताल का संचालन किया जाता है वो पूरे विश्व में उस अस्पताल का डंका बजता है, चूँकि वहां पर सब कुछ निःशुल्क होता है। आप अमीर हों गरीब हों, जब तक आपकी बारी नहीं आएगी तब तक आपको वहाँ पर
इलाज के लिए आपको बहुत पहले से नंबर लगाना होता है, क्योंकि सब कुछ निशुल्क है। लोग वहाँ पर सेवा देते हैं, सेवादारों की कमी भी नहीं है। आज इस नश्वर देह को त्याग कर सत्य साई बाबा वैकुंठ लोक गमन कर चुके हैं, पर उनके अनुयायियों के द्वारा उनकी शिक्षा को, उनके आदर्शों को, उनके उपदेशों को आज भी अपने जीवन में आत्मसात किया गया है, और उनके अनुयायियों के द्वारा उनकी इन सारी बातों को आज भी जागृत और जीवित अवस्था में रखा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ से अशोक सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल हम इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।